So हमारे have this one yeah in the fish tank. हे एवरीवन, वंडर सिस्टर के एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है. सो आप देख रहे हैं हम बोट में हैं. सो हम बोट से जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए. सो दुबई में हम फिशिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं उसी के बारे में ये ब्लॉग है. सो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए. सो दुबई के पास एक जगह है उजेरा नाम की, और उस जगह पर हम जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए. सो हमें उस दुबई से जगह पर पहुँचने के लिए पूरे 1.5 घंटा लगा है. सुबह के 4 बजे से निकले थे हम, और हमें उजेरा पहुंचने के लिए लगभग 1.5 घंटा लगा. सो हम 5:30 बजे वहाँ पहुंच गए. जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि पूरा जो एरिया था वो पूरा फिशिंग का एरिया था, और साथ ही साथ बहुत सी प्राइवेट सी बोट थी. तो हमने एक बोट बुक की, जिस बोट को बुक करने के लिए हमें पूरे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी प्रोसीजर थी. वहाँ पे फॉर्म फिल करना था, साथ ही साथ हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने थे, और चार्जेस भी थे. सो हम 6 लोग थे, तो 6 लोग के हिसाब से उन्होंने हमें 2900 dirham का चार्ज किया. सो जिस जो हमारे इंडियन रुपीज में होते हैं कुछ लगभग 60 to 62,000. सो अभी हमने सब पे कर लिया है, हमने बोट में आ गए हैं. ये बोट हमें 5 घंटे के लिए मिली है. सो 1 घंटा हमें समुद्र के अंदर पहुंचने के लिए, और साथ साथ निकलने के लिए भी 1 घंटा हमें लगेगा. और वहाँ पे जो भी हम फिशिंग वगैरह करेंगे 3 घंटा हम वही जाएगा. सो अभी हम जा रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमें फिशिंग करनी है. सो आप देख रहे हैं मेरी बोट पे जो ये फिशिंग के रॉड लगे हुए हैं. सो ये ऐसी ही बोट रहती है जिसमें फिशिंग के रॉड ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना. और साथ ही साथ वो जो हमें पूरा जो नाश्ता खाना वगैरह वही प्रोवाइड करते हैं. तो हमें उन्होंने प्रोवाइड किया था चाय और सैंडविचेस, कुछ केक बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे. सो अभी आप देख रहे हैं कि सनराइज हो गया है, और हम पहुंचे हैं समुंदर के बीच में. सो हम सब अभी फिशिंग कर रहे हैं. अभी हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं फिशिंग करने का, बट वहाँ के जो 2 हमारे साथ बंदे आए हैं उन्हीं के, वो हमें गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से फिश पकड़नी है. सो हम ट्राई कर रहे हैं. सो फाइनली हमें शायद एक फिश मिली है जो बहुत ही हैवी हुआ है इसका काटा. और ये देखो सनराइज हो चुका है. सो उन्हीं के जो 2 लोग हमारे साथ आए थे जिन्होंने हमें समुंदर के अंदर 1 घंटा लगभग लगाया ले जाने के लिए, और वहां से हमने फिशिंग करना स्टार्ट किया है, तो वो पूरी तरह से हमें गाइड करें कि हमें किस तरह से मतलब फिश पकड़नी है, उनको किस तरह से हमें अच्छे से केयर करना है. जैसे हम कांटे में अगर कोई फिश फंसती है तो उनको कांटा हमें बहुत ही लूज छोड़ना है, और साथ ही साथ मतलब आराम से लेके आना है ऊपर उनको. अब देखो हमने यहाँ पे एक फिश पकड़ ली है. यस, 1 2 1. Yes. So now you understand. Yeah. Very nice size. Yeah. Shikari hai na shikari. Chhota mota kaam nahi kiye rahe. Kuch nahi beta. Easy. Don't worry. You're watching safe hand. Yeah. You are in safe hand, yeah. We have a big party tonight. Pump patrol, Denise. ये हमारे बोट में भंगर मची हुई है फिश. Oh, two together. Wow. Oh, shark. Oh, fine. Oh, ho. 3, 4, 5. Oh my God. Wow.
हमारे बोट में भगड़ मछली मछलियों की पकड़ा है हम लोग ने. विच वन इज दिस? कैन वी ईट दिस? दिस वन आई डोंट नो. This is sunfish, you know? Yeah. You can hold like this. That's right. Ooh, wow. Come together, come together. Okay. Ooh, wow. Can we have a photo with this one? That one. Very nice. Where's the player? Oh. Who got it? Here? Don't touch the line. Neighbor, touch the line. Wow, super buddy fish. It's a very big fish. It is the big one. Wow. Oh, super. Boy, on that guy, catch me. Guys. Same fish. Это чуть поменьше, да? Ты тоже сильный, да, Хамик? Да, блин, умеешь на левую. Блин, а у меня наоборот на правое, мне нравится левая. Над лучками ты меня. एक फिश पकड़ ली है जिसने, और ये प्रो है फिश पकड़ने में. नाउ इट्स योर टर्न. सो इट वाज अ वंडरफुल डे. वी कैच सिक्स फिशेस एंड द बेस्ट पार्ट वाज एवरीवन गॉट वन वन फिश. आई मीन आई गॉट वन फिश, टू पीपल मोर गॉट वन फिश एंड आवर टू अदर फ्रेंड्स गॉट थ्री फिश. सो या वी आर सो हैप्पी टुडे एंड इट वाज worth spending day with you all life. All are so हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे. अब हम हमारी बोट पार्क करेंगे एंड ये है फुजेरा का बंदरगाह और हमारी सारी फिश इसमें रेस्ट इन पीस कर रही है. Put in a line, then take a video. Small. Yeah.
So mine is that second one, this one. Hold this one. Она, по-моему, больше, чем те, которые мы в прошлый раз ловили. Да. So, अभी हम लोग इसको फिश मार्केट लेके जाएंगे और कटिंग करवाएंगे. Which fish is that? This one? Uh-huh. Mahi Mahi. Mahi Mahi? Not all the time like that. And you are the best team. Thank you. ये फिश का नाम है माखी माखी. And what about this name? Moonfish. Moonfish. They will give you fine there. Oh really? Yes. That's why I told you really. Oh. Okay. So हमें ये फिश नहीं लेके जानी है. Sorry. White bone inside. Black. White. Mm-hmm. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. हम अभी जा रहे हैं हमारी फिशेस लेके. So हम फुजेरा से फिशिंग करते हुए निकल रहे हैं रास्ते में. ये पहाड़ी पहाड़ है. सुबह नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था. और ये रॉकेट जा रहा है. ये वैली देखो, वैली फुजेरा वैली. अब मेरे कान हो चुके हैं बंद. पहाड़ों को चीरते हुए हमारा रास्ता जा रहा है. सो यहाँ हम जो फिश पकड़ते हैं तो वहाँ पे हमारी मर्जी होती है कि वो चाहो तो हम फिश अपने घर ले जाए या फिर हम पानी में दोबारा छोड़ दे. और वो लोग नहीं मांगते हमसे फिश. तो अभी हम फिश कलेक्ट करके अभी फिश मार्केट जाएंगे, फिश वगैरह कट करेंगे. और ये अभी आ चुका है खत्म का एग्जिट. हेलो गाइस, तो हम लोगों ने जो फिश पकड़ के लाए थे तो आज मैं इसको फ्राई कर रही हूँ. और कल ही हम लोग ने फिश मार्केट जाके उसको कट करके लेके आए थे. तो मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये दो इसमें फिश रखी हुई है और भी है इसके अंदर. अभी वो बर्फ का पानी हो चुका है इतना. और ये हमारा फिश फ्राई.